हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग दो यानी कक्षा 7 का 7वां पाठ, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। ये बच्चों एक जीवनी है, और किसके बारे में है? जीवनी कहते हैं किसी के जीवन के बारे में सारी बातें। उसको हम उसका जीवन, उसके जीवन काल में जो जो घटित हुआ उसके बारे में जब हम पूरा लिखते हैं उसको जीवनी कहते हैं। तो ये बच्चों वीर कुंवर सिंह की जीवनी है, वीर कुंवर सिंह की। आपको याद होगा मैंने आपको झांसी की रानी की एक कविता पढ़ाई थी, और जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी थी, जिसको लिखा था, तो उसमें एक कुछ पंक्तियां आई थी जो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ पाठ शुरू करने से पहले, कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंतु पंत तांतिया, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। कौन? ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये वो वीर सैनिक थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, जिनका नाम हमेशा बहुत ही कहते ना, जिसका ना, जिनका नाम मतलब हमेशा अमर रहेगा हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की बात जब भी चलेगी, जब भी हम इन लोगों को अपनी आज़ादी की कहानी को याद करेंगे तो इनका नाम सर्वोपरि बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुंवर सिंह के बारे में, वीर कुंवर सिंह। तो पहले मैं इनके बारे में आपको पढ़ाती हूँ। चलो हम पाठ शुरू करते हैं कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया था, उस समय बहुत सारे वीर सैनिक थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनमें से एक नाम था वीर कुंवर सिंह जी का भी। उनका जन्म 1782 यानी 1782 ईस्वी में बिहार के शाकाबाद, मतलब सॉरी शाहबाद, शाकाबाद नहीं, शाहबाद जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे उनका बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, पिता जो थे इनके वो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जमींदारी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर उन्हें जमींदारी उस जगह राज्य उस मतलब स्थान की मिली, उस जगह की जमींदारी मिली। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में वीर कुंवर सिंह की सही देखभाल नहीं हो पाई थी। पारिवारिक काफी संघर्ष रहे थे उनके जीवन काल में, जिस कारण से उनकी जो परवरिश थी, जो उनकी पारिवारिक बचपन की जो परवरिश थी वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाई थी। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो सारी कहाँ हुई थी? घर पर ही हुई थी। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सारी भाषाएं सीखी, उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सारी भाषाएं सीख ली थी। पढ़ने लिखने में ज्यादा उनका मन नहीं लगता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, कुश्ती, ये सब कुश्ती लड़ना, ये सब सारे उनके शौक थे। इनमें वो बहुत ही उनका मन लगता था, इन सारे कामों में। पढ़ने लिखने में ज्यादा उनका मन लगता नहीं था, उनका सारा मन किस में ज्यादा लगता था? घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी करना, इन सब में उनका बहुत अच्छे से मन लगा करता था बचपन से ही। सन 1827 में पिता की मृत्यु हो जाती है उनके। 1827 में उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें रियासत की जिम्मेदारी संभाली, उनको रियासत का जमींदार बना दिया गया। पहले ऐसा ही होता था कि जब पिता की मृत्यु हो जाती थी, जो घर में बेटा होता था बड़ा, उसको वहाँ की जमींदारी, अगर जमींदार पिता है तो जमींदारी संभालनी पड़ती थी, अगर राजा है पिता तो वहाँ पे उसको राजा बना दिया जाता था, है तो इस तरह से उन्हें जमींदारी संभालनी पड़ी। उस समय अंग्रेजों का अत्याचार बहुत बड़ा हुआ था हमारे भारत पर, सभी राज्यों में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया हुआ था, लोगों ने उनके विरुद्ध गहरा असंतोष था। सभी लोग ये चाहते थे कैसे भी करके हम लोग मेहनत कर मतलब लड़े और इन अंग्रेजों को अपने भारत से निकाल फेंके, क्योंकि उस समय उनके अत्याचार हम लोगों के ऊपर बहुत बढ़ रहे थे। इन्हीं कारण से देशव्यापी संघर्ष में की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सब तरफ संघर्ष था, उलझने थी बहुत ज्यादा, और मतलब बहुत ज्यादा असंतोष था हमारी प्रजा में, क्योंकि सभी लोग अंग्रेजों की नीतियों से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोगों में रोष था, गुस्सा था बहुत ज्यादा लोगों के अंदर। सभी स्वतंत्रता, सभी किसी ना किसी कीमत पर भी स्वतंत्रता को हासिल करना चाहते थे, सभी स्वतंत्र होना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके खिलाफ लोहा लेने का संकल्प किया। जब झांसी की रानी थी, धुंधु पंत, ये सारे लोग थे उसी समय, ये वीर कुंवर सिंह जो थे
इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए संकल्प कर लिया, दृढ़बद्ध हो गए, जैसे कहते हैं ना दृढ़ निश्चय कर लेना। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नामक सिद्ध संत रहते थे। जगदीशपुर के जो जंगल थे, जहाँ के जमींदार थे, वहां के जो जंगलों में एक कौन बसुरिया बाबा नाम के सिद्ध पुरुष, मतलब संत पुरुष रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने उनकी प्रेरणा के कारण ही इनके अंदर किसकी भावना आई, देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया। और कुंवर सिंह की जय जयकार करते हुए आरा जेल वो सॉरी देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया। सन 1845 कौन सा समय था, 1845 से 1846 तक वे गुप्त रूप से सक्रिय, मतलब चोरी छुपे सक्रिय रहे विद्रोह के लिए, क्योंकि सामने अंग्रेजों के तो विद्रोह करना इतना आसान था नहीं, उसके लिए तो वो तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया करते थे। तो उन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह के लिए वो अपनी योजनाएं बनाते रहे, गुप्त रूप से वो सक्रिय रहना मतलब अपने कार्य को मतलब सही ढंग से चलाते रहना गुप्त रूप से। तो उन्होंने अपने योजनाओं को सक्रिय बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में, बिहार का जो सोनपुर मेला होता है प्रसिद्ध, उस मेले में गुप्त बैठकों के लिए उस मेले को चुना, क्योंकि मेले में किसी की निगाह नहीं जाती अगर चुपचाप बातें कर ली जाए। तो उन्होंने गुप्त बातों के लिए क्या चुना, सोनपुर मेले को गुप्त बैठकों के लिए चुन लिया था उन्होंने। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैन्य टुकड़ी के ने विद्रोह कर डाला, मतलब दैन्य सिख वो जो टुकड़ी थी 1857 की दानापुर की, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और सैनिक सोन नदी पार करके आरा चल पड़े, मतलब सोन नदी जो थी वो पार कर ली सैनिकों ने, और वो कहाँ पहुंच गए, आरा पहुंच गए बिहार के। उन्होंने कुंवर सिंह की जय जयकार करते हुए आरा जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया। उन्होंने क्या किया सैनिकों ने, कुंवर सिंह जी की जय जयकार करते हुए भी कुंवर की, और उन्होंने क्या किया कि जो कैदी थे उनकी उनको उनकी सलाखें तोड़ तोड़कर कैदियों को मतलब उससे निकाल दे, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या थे, किसी को भी जरा सा कोई अगर उनके खिलाफ बोल दे तो उसको जेल में डाल दिया करते थे। तो उन्होंने उन सैनिकों ने क्या किया, जेल की सलाखें तोड़ी और कैदियों को रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। 28 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। कब, 27 जुलाई को जो कुंवर सिंह थे उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब जीत हासिल कर ली थी। वृद्ध होते हुए भी वे युद्ध के लिए तत्पर थे, वृद्ध हो चुके थे वो धीरे धीरे काफी, फिर भी क्योंकि उनका जन्म तो कब हुआ था, 1782 ईस्वी में हुआ था, तो वो बुजुर्ग होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि ये बात आ गई 1857 की, फिर भी उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस प्रकार आरा में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, मतलब जो आरा जगह थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण केंद्र बना लिया उन्होंने, अपना एक मेन पॉइंट जिसे कहते हैं वो, उसको उन्होंने आरा को बना लिया। सैनिकों की अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों में एकता की कमी तथा आधुनिक शस्त्रों के अभाव के कारण हिम्मत उन्होंने अपने जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका, मतलब फिर भी जगदीशपुर का पतन हो गया, उनके हाथ से वो चला गया, क्योंकि एक तो उनपे शस्त्रों की कमी थी और हमारे जो जमींदार थे उनमें एकता की कमी थी, जिस कारण से वो उसके पतन को नहीं रोक पाए, मतलब अपने जगदीशपुर के पतन को वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रोक नहीं पाए। बहुत प्यारी सी जीवनी है, बहुत बड़ा पाठ है इन्हीं के बारे में, हमारे वीर कुंवर सिंह के बारे में। आज बच्चों मैं इतना आधा ही पाठ पढ़ाऊंगी, इससे आगे का पाठ अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, वीडियो को ध्यान से सुनना। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय बच्चों।